दिन से तेलंगाना में गौ रक्षा का एक अभियान चल रहा है और इस अभियान में तकरीबन 1100 से अधिक गौ माँ के बच्चों को, गौ माँ के बेटों को और गौ माताओं को बचाया गया। बहुत संघर्ष करना पड़ा इस अभियान में, कुछ अपने लोग साथ दिए तो कुछ अपने लोग साथ नहीं दिए, लेकिन तेलंगाना राज्य की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी हाल में हमें रोकना है। ऐसा षड्यंत्र किया गया तेलंगाना राज्य की सरकार द्वारा और गौ हत्याएं होना है, गौ माँ के बेटों का कत्ल होना है, ऐसी सोचकर जो भी कसाई गौ माँ के बेटे को ले जाता है उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी हमारे तेलंगाना में दिया जा रहा है पुलिस के माध्यम से। तेलंगाना राज्य का जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर साहब का ये बयान है कि गाय छोड़कर गाय के बेटे को काट सकते हैं। ये हमारे तेलंगाना राज्य के होम मिनिस्टर का बयान है। साथ ही साथ मैं होम मिनिस्टर साहब को भी ये कहना चाहूंगा कि आप एक होम मिनिस्टर है तेलंगाना राज्य के, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो आपको जानने की आवश्यकता है। हर राज्य में गौ रक्षा के लिए गाय को नहीं काटे ऐसा एक एक्ट बनाया जाता है। तेलंगाना के लिए 1977 एक एक्ट है। एक्ट के अनुसार गाय, बछड़ा, बैल बिल्कुल भी नहीं काट सकते, लेकिन तेलंगाना में घटिया वोट बैंक की राजनीति यहां पर चल रही है और तेलंगाना के सभी हिंदू राजनेताएं, तेलंगाना राज्य के सभी हिंदू विधायक सांसद चूड़ियां पहनकर घर में बैठे हैं। कुछ तो लोग कमेंट करें कि राजा सिंह होना बोलकर वातावरण खराब करने का प्रयत्न कर रहा है, तो मैं उन हरामियों को यह कहना चाहूंगा कि एक बार वोल सिटी पुराने शहर में एक राउंड मारे, वहां पर कितनी हजार संख्या में गौ माँ के बेटों को काटने के लिए रखा गया है। एक बार तुम्हारी अगर दम है तुम्हारे में तो एक बार राउंड मार के आओ, तुम्हें पता चलेगा कि कितनी गौ माताओं का, उनके बेटों का कत्ल करने के लिए वहां पर रखा गया है। बकरीद के संदर्भ में, बकरीद में गौ माँ के बच्चों का खून तेलंगाना में बहेगा। हमारा तो अभियान जितना हो सके उतना मैंने कोशिश की, मैंने लड़ाई लड़ी, लेकिन कल दो पुलिस स्टेशन में जिन कार्यकर्ताओं को लेकर मैं गौ रक्षा का अभियान कर रहा था उन कार्यकर्ताओं को टारगेट करके मंगलहाट पुलिस स्टेशन, अफजलगंज पुलिस स्टेशन में उन कार्यकर्ताओं के ऊपर फेक एफआईआर किया गया। यानी किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ऐसे कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एफआईआर किया गया। सो कल एक पुलिस स्टेशन में, यानी अफजलगंज पुलिस स्टेशन में, जैसा ही मुझे पता चला मैं तुरंत गया, एसीपी मैडम थे उनसे मैंने बात की कि क्यों हमारे कार्यकर्ताओं को लाया गया, तो एसीपी मैडम बोले कि हम जस्ट इंक्वायरी के लिए बुलाए और छोड़ देंगे। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि उन कार्यकर्ताओं के ऊपर, यानी 10 धाराएं लगाकर, 10 सेक्शन लगाकर उनके ऊपर एफआईआर कर दी। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मैं इस क्षेत्र का विधायक और वो पुलिस स्टेशन मेरे क्षेत्र में, जैसा ही हमने वहां पर बात करके हम चले गए, नेक्स्ट डे A1 में, यानी उन कार्यकर्ताओं के साथ A1 में विधायक का नाम, यानी मेरा नाम भी इंक्लूड कर दिया गया कि राजा सिंह भी उस लड़ाई, दंगे फसाद में इन्वॉल्व था। अरे भाई, मैं पुलिस वालों को यह कहना चाहूंगा कि अगर राजा सिंह के ऊपर अगर केस बुक करना ही है तो एक बार कह दो, तो छोटे 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 केसेस नहीं, एक जबरदस्त सॉलिड केस, यानी पूरा देश हिल जाए ऐसा केस मैं कर सकता हूं, हिम्मत है मेरे में। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग हो, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद हो हमारे तेलंगाना में। लेकिन पुलिस खुद चाहती है कि तेलंगाना में दंगा फसाद हो, पुलिस खुद चाहती है, क्योंकि इसीलिए पुलिस एक वातावरण क्रिएट करी, जो भी गाय काटने ले जाता है उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा, जो भी गौ माँ के बेटे को काटा जाता है, काटने को ले जाए उसको पुलिस प्रोटेक्शन, कोई भी कार्यकर्ता उस ऑटो, उस गाड़ी को रोके तो पहले उन कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनके ऊपर केस बुक किया जा रहा है। ये वातावरण तेलंगाना में चल रहा है। तो मेरे भाइयों, कल सवेरे 10 बजे
मैं सिटी कमिश्नर ऑफिस के पास भूख हड़ताल में बैठने वाला हूं और भूख हड़ताल करने का मेरा उद्देश्य है कि जो फेक केसेस हमारे गौ रक्षकों के ऊपर लगाए गए वो तुरंत सारे के सारे केस हटाए जाए। दूसरा, जितना भी जो पुराने शहर में जो गौ माँ के बच्चों को काटने के लिए रखा गया वो सारे के सारे गौ माँ के बच्चों को पकड़ के गौशाला में रखे, ये मेरी डिमांड है। साथ ही साथ उन गौ माँ के बच्चों को जो भी कसाई काटने के लिए लाया है उसको भी आप अरेस्ट करना है, ये मेरी डिमांड है। ये मत सोचो कि राजा सिंह एक दिन बैठेगा खामोश हो जाएगा, आमरण अनशन पे बैठूंगा मैं पुलिस स्टेशन में। अगर आप मुझे वहां अरेस्ट करते हैं, आप जहां कहीं भी रखते हैं वहां मेरा अनशन प्रारंभ रहेगा। आप जितने दिन मुझे पुलिस स्टेशन में रखते हैं उतने दिन मेरा अमरण अनशन प्रारंभ रहेगा, तब तक कि मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर से आप केस नहीं हटाते जब तक। साथ ही साथ ये बकरीद के अवसर पर जो मेरे गौ माँ के बच्चों को जो काटने के लिए लाया है उन सभी के सभी बच्चों को अगर नहीं बचा सकते हैं और उनको बचाना है ऐसी मैं डिमांड करता हूं, और जब तक मेरी गौ माँ के बच्चे नहीं बचते हैं तब तक मैं अनशन पर बैठूंगा कल से। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, मेरे पेज से जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि बकरीद के दिन ब्लैक डे हमें घोषित करना है, बकरी ईद के दिन कोई भी हिंदू कोई भी गौ भक्त भोजन नहीं करना है। अपने अपने क्षेत्र में चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो, अपने अपने राज्य में कृपया करके भूख हड़ताल का कार्यक्रम आप रखिए और एक दिन का आप भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखिए, समर्थन कीजिए। क्योंकि जो गौ के बारे में नहीं सोचते, जो 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 भी कोई गाय काटने ले जाता है अगर हमारे गौ रक्षकों का उनका सामना हो जाता है, अगर गौ रक्षकों द्वारा अगर उनका कुछ हत्या या कुछ कांड हो जाता है तो कितने नेता ही नहीं रहे होते, रोडों पर कैंडल मार्च, कई लोग गौ हत्याओं के समर्थन में कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन गौ रक्षकों के समर्थन में बहुत कम लोग आवाज उठाते हैं। सो मैं मेरे पद को यानी भारतीय जनता पार्टी के पद को भी मैंने छोड़ दिया है, छोड़कर आज मैं गौ रक्षा के लिए आवाज उठाया हूं। मैं चाहूंगा कि पूरे भारत देश के मेरे गौ रक्षक सबके सब लोग एक सुर में अगर हम आवाज उठाएंगे तो मैं चाहूंगा जो नेताएं आज भैरे बन चुके हैं, जो नेताएं आज भैरे बन चुके हैं और गौ माता का खून जिस प्रकार से धरती में गिर रहा है, कम से कम उनकी आंख खुले, उनकी आंख खुले और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। गौ माता को राष्ट्रीय माता जब तक घोषित नहीं करना है ये लोग नहीं करते हैं, हमें आवाज उठाना ही है। फिर से एक बार, कल से मैं अनशन भूख हड़ताल पर बैठने वाला हूं।